हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो ट्रैकर। दोस्तों, सेलिब्रिटीज चाहे बॉलीवुड के हों या लॉलीवुड के, सारे ही ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक छोटी सी 2 साल की बच्ची का एक शर्ट 50,000 रुपये में खरीदा है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे मशहूर गुलूकार आतिफ असलम की बेटी के लाखों रुपये का एक शर्ट और शॉर्ट्स के बारे में। दोस्तों, आतिफ असलम जैसा गुलूकार एक कॉन्सर्ट के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आतिफ असलम का नाम एक ब्रांड बन चुका है। कहते हैं ना कि जिस तरह आयशा खान जिस ड्रामे में भी काम करे वो जरूर हिट होता है, इसी तरह आतिफ असलम जो भी गाना गाए वो जरूर हिट होता है। आतिफ असलम ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के दिलों के धड़कन हैं। लोग इनके आवाज और इनके गानों के दीवाने हैं। दोस्तों, आतिफ असलम का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अदाकारों में भी होता है, क्योंकि आतिफ असलम आज जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं इन्हें अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर आतिफ असलम ने अपनी बेटी हलीमा आतिफ के साथ तस्वीर शेयर की। इन तस्वीर में आतिफ असलम की बेटी ने एक सिंपल सा वाइट शर्ट पहना हुआ है, इसके साथ हलीमा ने एक शॉर्ट्स पहना है और साथ में सिंपल से ब्लैक शूज पहनी हुई नजर आती है। आतिफ असलम की बेटी हलीमा का शर्ट, शॉर्ट्स और शूज तीनों दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड से खरीदी गई हैं, जिसकी एक सूट की कीमत लाखों रुपए बनती है। हलीमा ने इस तस्वीर में जो शर्ट पहनी है वो दुनिया के महंगे तरीन क्लोदिंग ब्रांड पुच्ची की है। इस शर्ट की कीमत तकरीबन 50,000 रुपये है। इसके साथ हलीमा ने एक कलरफुल सा शॉर्ट्स पहना हुआ है, ये शॉर्ट्स भी पुच्ची ब्रांड का है और इसकी कीमत 27,000 रुपये है। इसी तरह हलीमा ने प्यारे प्यारे से ब्लैक शूज पहने हैं और इन छोटे छोटे शूज की कीमत आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हलीमा आतिफ ने दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड डियोर के शूज पहने हैं और इन शूज की कीमत 1,72,000 रुपये है। दोस्तों, पब्लिक फिगर होने की वजह से आतिफ असलम को इनके कुछ फैंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे एक छोटे से बच्चे के सूट बूट पे लगा दिए, किसी डोनेशन कंपनी से कॉन्टेक्ट करते जो इन पैसों से फ़लस्तीन के बच्चों की हेल्प करते तो अल्लाह पाक इन्हें इससे भी ज़्यादा पैसे देता। कुछ लोगों ने कहा कि आतिफ असलम की बेटी हलीमा आतिफ ने मरियम नवाज को भी ब्रांडेड कपड़े पहनने की कॉम्पिटिशन में पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इसी तरह कुछ लोग आतिफ असलम के हक में बोले कि इनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसके साथ चाहे जो करे इनकी मर्जी। तो बिल्कुल दोस्तों, इनका अपना पैसा है, चाहे जैसे भी खर्च करे हमें इससे क्या। या क्या आपको लगता है कि हमारे कहने से ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारी बात मान लेंगे? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इन्फो ट्रैकर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।